भारत नहीं, जय फिलिस्तीन है। लेकिन आज बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है और वहाँ के अल्पसंख्यक अगर वहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। असदुद्दीन ओवैसी तो अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े लीडर हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों सिर्फ उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है लेकिन इस्लामिक देश में हिंदू अल्पसंख्यक की आवाज, उसकी उसका दर्द नजर नहीं आता। बहुत देर से सुन रहा था, एक रिक्वेस्ट कर दूं, जब मैं बोलूं मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मुझे टोकिया का नहीं, मेरा प्रोमोट बोलती बातें बोलूंगा। आप में और हम में फर्क जानती हैं क्या है? नहीं, मैं बांग्लादेश में भी उतना ही दुखी हूं जितना गुजरात पे दुखी था, अहमदाबाद पे दुखी था, जितना राफा पे दुखी था और जितना गाजा पे दुखी था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गुजरात पे खुश थी, फिलिस्तीन गाजा पे आप बहुत खुश थी, आप सिर्फ बांग्लादेश में दुखी हैं। यही फर्क हमारा आपका है, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म। दूसरी बात, आपने कहा कि जिंदाबाद, आपने बोला फिलिस्तीन, हम तो सर बांग्लादेश भी जिंदाबाद कह रहे थे और हम आज आपके सामने टेलीविजन पे बोल रहे हैं बांग्लादेश के एक एक हिंदू भाई जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी को किसने रोका है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, अटैक करिए, आप लाशें गिरा दीजिए और 15 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को लेकर आइए, मना कौन कर रहा है आपसे? आपने कहा वहां कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही हो रहा है, लेकिन यही कत्लेआम जब गुजरात पे होता है और यही कत्लेआम के बीच में जब बिल्किस बानो का बलात्कार ब्राह्मण लोग करते हैं, उस पर आप खुश क्यों होती हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? मुझे अपने घर जाना है। आपने भी यहां, मैं देख रहा हूं आपकी जो टेक्निकल, आपकी जो भाषा है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है, जो बाकी लोग हैं, आप ये दिखा रही हैं कि वो सब लोग बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ क्या अन्ना गोदी मीडिया और खाली आप और आपके बॉस ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बीजेपी के साथ। लेकिन आप नसीहत अपनी अपने पास रखें, क्योंकि मुझे आपसे पत्रकारिता सीखने की ना जरूरत है, ना मेरे को आप कोई बहुत अच्छे से टीचर नजर आते हैं। अच्छा, अभी आपने, मैडम गुजारिश करूंगा, आपने कहा था आसिम वकार साहब आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं पत्रकार हूं ही नहीं, मैं सिर्फ लोगों को इंसानियत सिखाता हूं और सेकुलरिज्म सिखाता हूं, जिनमें अतल होती है वो सीख लेते हैं।